हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे। ये जो गाना है ये एक अनरिक्वाइटेड लवर का गाना है। एक वक्त था जब इश्क में दो लोग किसी वजह से बिछड़ जाते थे, अगर रीजन तीसरा होता था तो बहुत ज्यादा आक्रोश होता था दोनों के अंदर। सिमटे हुए से ये मेरे इरादे, तुमको सदा ही चाहेंगे। क्या रखा है और इस दिल में कैसे बतलाएंगे। फिर आया 2000 का टाइम जब लोगों के अंदर वो रेबल आया। सो ये सॉन्ग उस रेबल की थॉट से है कि दिल को चीर के अपना दिखा दे, तुम जो कहो मर जाएंगे। हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com, द बड़ा भारत शो में आपका स्वागत है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हर बुधवार हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं, पहले कंटेस्टेंट बनकर रियलिटी शो से आउट हुए, लेकिन अब स्पेशल गेस्ट की तरह दुनिया भर में बुलाए जाते हैं। एलिमिनेशन से फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक इन्होंने बहुत कुछ देखा है। बजरंगी भाईजान की आवाज़ बन जाते हैं, कभी शेरशाह बनकर लाखों डिम्पल की राता लंबियाँ कर देते हैं। सिर्फ फिल्मी सॉन्ग ही नहीं बल्कि हर जॉनरे में पक्के हैं इनके सुर ताल। स्वागत करिए श्री जुबिन नौटियाल। हेलो भाई, नमस्कार। अब तक के सबसे हैंडसम, सबसे स्वीट और बहुत ज़्यादा बात खींच किए जाने वाले, मैं पहले तो आपको बोलता हूँ, आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू टुडे। आप इतने हम्बल हो, इतने प्यारे हो और इतना अच्छा गाते हो। थैंक यू भाई। मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों से आप आए, इतने शांत और ऐसी मखमली आवाज़ वाले जुबिन, असल ज़िंदगी में भी आप इतने शांत हैं या असल ज़िंदगी में थोड़े नॉटी हैं? नहीं नहीं, मैं असल ज़िंदगी में भी शांत ही हूँ। बचपन में बहुत बदमाश हुआ करता था, बट अब जैसे जैसे संगीत में आगे बढ़ रहा हूँ और ठहराव आ रहा है और ज़्यादा साइलेंस, मुझे लगता है जो खामोशी है उसके जो मज़े हैं वो शोरगुल में कहाँ मिलते हैं। और पहाड़ों में तो बहुत खामोशी होती है। पहाड़ों की सबसे ख़ास बात यह है कि पहाड़ों में जैसे ही इंसान जाता है उसको ना पता लगता है कि उसके खुद के सांस लेने की आवाज़ होती है और उसके खुद के दिल धड़कने की आवाज़ भी होती है, अगर शांति से अगर वो चलता है वहाँ पे, तो पहाड़ों में वो महसूस करने को मिलता है। इट्स मेडिटेटिव। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं आपके बारे में सोच रहा था बात करूँगा, BSc स्टैटिस्टिक्स में, MSc कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद MBA, तो सिंगिंग के साथ बैकअप प्लान चल रहा था। क्या होता है कि जिस वक्त सिंगिंग शुरू करी थी उस वक्त इंटरनेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, इट वॉज स्टिल ब्लोइंग अप इन इंडिया। तो एक देहरादून के एक परिवार से बम्बई अगर देखा जाए तो बहुत दूर भी दिखाई देता है, बहुत बड़ा भी दिखाई देता है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना भी दिखाई देता है। सो पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उनको पता था कि ये सिंगिंग कर सकता है। मॉम को तो मेरी बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना छाती ठोक के दावा देने वाली बात, वैसा था उनको कि नहीं नहीं ये बन जाएगा सिंगर, कैसे बन जाएगा, इसकी आंखों में मैंने देखी। हाय हाय। तो क्या होता है कि जब मुंबई इतना दूर दिखता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में बार बार, पर गॉड वॉज काइंड, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू बॉम्बे। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मूवी में बातचीत कर रहे हैं गाना गाने के, उन्होंने कहा यार गाना वाना छोड़ो, हीरो को हटाओ, इनको हीरो रहने पहले? हाँ जी, शुरू शुरू में ऐसा हुआ। एक नुसरत साहब का गाना है, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाएं, हुस्न वालों से अल्लाह बचाएं, तो टी सीरीज में भूषण कुमार साहब ने बोला कि ये गाना बनाना। मैंने कहा बहुत अच्छा गाना बनाते हैं इसको, हमने राइट्स लिए और ईमानदारी से बहुत अच्छा गाना बनाया। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब इस गाने में तुम ही फीचर कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, इतना बड़ा गाना मैं डेफिनेटली फीचर करूँगा। उन्होंने कहा लेकिन गाने की स्टोरी है कि शादी हो रही है इसमें। तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी मत करवाओ सर शादी, अभी देयर इज स्टिल टाइम फॉर माय मैरिज। उन्होंने कहा कि बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब कमाल लगेगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कर लेते हैं, म्यूज़िक वीडियो के लिए शादी करने में क्या क्या प्रॉब्लम है। बाद में जब PR शुरू हुई, भाई सबसे पहले मुझे फ़ोन आया अपने घर वालों का, तूने शादी कर ली और तूने बताया नहीं हमको, हम तुम्हारे सगे घर। मैंने कहा मैंने नहीं करी शादी, वो म्यूज़िक वीडियो थी, बट हमारा देश इतना डेलिकेट और फ्रजाइल है स्पेशली सोशल मीडिया पर ना,
दे वॉन्ट टू बिलीव वॉट दे वॉन्ट टू बिलीव, और जो उनको नहीं बिलीव करना ना वो उनको नहीं बिलीव करना. सो शायद पूरा देश चाह रहा था कि मेरी शादी हो जाए, और उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मान लिया. बट कुंवारा हूँ भाई, अभी मैं खुश हूँ. अच्छा नहीं लग रहा मैं खुश कुंवारा. ज़्यादा मैं आपके रोमांटिक लाइफ में नहीं जाता, पर रोमांटिक सॉन्ग से मुझे याद है आपकी एक एल्बम आई नहीं, तुम आए हो तो. कि तुम आए हो तो यूं लगता है कि आई है जिंदगी. अब मुझे पता नहीं कौन आया है, लेकिन मन है कि अगर आपको ठीक लगे जी, जी तो आप सुना सकते हो. जी जी ज़रूर ज़रूर. तो ये गाना टाइटल सॉन्ग है एल्बम का, बहुत अनयूजुअल गाना है. और जितने भी लोगों ने कभी उम्मीद करी है लाइफ में कि गिटार उठा के कुछ गाने वाला इस तरह, वो उस गाने का माहौल है. तुम आए हो तो यूं लगता है कि आई है फिर जिंदगी, यूं शाम से तो है खामोशी, महफिल कैसे यहां फिर शुरू हुई, क्यों ये समा बदल सा गया है, क्या ये तुम्हें कुछ एहसास भी है. तुम आए हो तो यूं लगता है सांसें ले आई फिर जिंदगी, तुम आए हो तो यूं लगता है कि आई है. अरे वाह क्या बात है भाई, come on, make some noise, lovely, lovely. ना मेरा मन नहीं है गिटार मत रखो, एक मिनट और पकड़े रखो, एक मिनट और पकड़े रखो. एक और सॉन्ग मैंने आपको सुना, ऐसी तेरी यादें कि बुझने के बाद में भी जलती रहती है. बहुत डेप्थ है. देखो मेरा ना गाने सुनने का स्टाइल अलग है, मैं गाना अलग तरीके से सुनता हूँ. जब आप बोलते हो तुम आए हो तो यूँ लगता है कि आई जिंदगी, मैं उसमें कस्टमर के बारे में सोच रहा होता हूँ. बड़ा कस्टमर आया, आई जिंदगी, तुम्हें एहसास भी है महफिल बदल गई है, नई पेमेंट आ गई, कैश फ्लो ठीक हो गया है. लेकिन फिर भी आई लव योर वॉइस सो मच. अगर आपको ठीक लगे, मुझे पता है बहुत तंग कर रहा हूँ. ऐसी तेरी यादें, प्लीज प्लीज ऑफ कोर्स. अच्छा इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा बताओ आप, मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करूँ. ये गाना लिखा गया था, इस गाने को लिखने के पीछे है मेरे जो मैनेजर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं रॉकी खन्ना, उन्होंने लिखा है. एक बहुत ही खास गाना है मोहित चौहान का, गुंचा कोई तेरे नाम कर दिया, ये उनका ही लिखा गाना है. तो मैं उनका फ़ैन रहा हूँ राइटिंग का बहुत ज़्यादा. तो ये पूरी एल्बम उन्होंने लिखी है और हमने साथ में इसमें म्यूज़िक करा है. तो यह हम लद्दाख में थे, घूम रहे थे नूबरा वैली में, सुबह की मेरे ख्याल 2 या 3 बजे होंगे, और हम बॉनफायर के साथ बैठे थे. हम दोनों थे भाई, और बहुत सारे लोग थे साथ में. वहाँ ये गाना पैदा हुआ, और -13 का टेम्परेचर था उस वक्त वहाँ पर, लेकिन सर्दी नहीं लगी. मैंने कहा गाने में दम है, अगर इतना गाना गा के जोश आ रहा है. सो इट्स अ सैड सॉन्ग, इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग. एंड एक होता ना, एक होता है अपनी उदासी जाहिर करना, और एक होता है कि इतना वक्त हो गया उस उदासी को अपने दिल में रख के कि अब उस पर मुस्कुराहट आ गई. तो ये गाना उस मुस्कुराहट के बारे में, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सैडनेस. तो अगर हीर और रांझा की शादी होगी होती तो क्या हम उन्हें जानते? कभी नहीं जानते. मुझे लगता है कि जब इंसान का दिल टूटता है और जो प्यार है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, तभी उसमें एक ऐसी डेप्थ आती है जो इंसान मरते दम तक याद रखता. सो दिस एल्बम एंड दिस सॉन्ग इज अबाउट दैट. आई ट्राई टू सिंग. ऐसी तेरी यादें हैं, ऐसी तेरी यादें हैं बुझने के बाद में भी जलती ही रहती है, जलती ही रहती है. ऐसी तेरी बातें हैं रुकने के बाद में भी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है.
ऐसी बेकरारी का क्या फिर करे ये दिल, तू ही भला ये बता, ऐसी इस खुमारी का क्या फिर करे ये दिल, तू ही भला ये बता, साथ मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो, मेरा अगर तुम दे दो, साथ या थोड़ी यादें नहीं सी दे दो, बातें नहीं सी दे दो, यादें नहीं सी दे दो, साथ या बहुत प्यारा, बहुत आ रहा है। ऐसी तेरी यादें के बुझने के बाद भी जलते ही जलती ही रहती। सेलिब्रेशन ऑफ सैडनेस, श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के विरह में थी, कृष्ण नहीं थे, चले गए थे, तो उनके अंदर भी इतना अटैचमेंट था, और अटैचमेंट से लगता है जैसे कृष्ण अभी भी उनके साथ ही हैं। वो अटैचमेंट इतनी डीप थी कि कृष्ण के साथ में रहने वाली सेम फीलिंग उनके मेंटल जो फीलिंग्स और इमोशंस में इतना ज़्यादा उत्पत्त हो चुकी थी, मतलब इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट हो चुकी थी, राइट वर्ड इज, कि तब कई गोस्वामियों ने अपने शास्त्रों में लिखा कि ये वाला प्रेम साथ में रहने वाले प्रेम से ज़्यादा बड़ा है, कि ऐसी तेरी यादें हैं बुझने के बाद भी जलती ही रहती। वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत पसंद आया। अच्छा, आपने आप कहाँ ले गए? नहीं नहीं नहीं, देखो लेके तो आपके वो लुट गए 1.3 बिलियन व्यूज। मैं चाहता हूँ ये 13 बिलियन पे जाए, इतना आगे जाए, इतना सुंदर जाए, हर घर में बजे, दिल में बस जाए। बेदर्दी से प्यार का सहारा, वो भी मुझको याद है आ रहा, गिटार आपने रख दिया पर कोई बात नहीं। ये सब हार्ट ब्रेक और सेपरेशन के सॉन्ग्स हैं, और एक फेमस डायलॉग है, और मैं अभी सुना भी आपके मुँह से, मैं फील कर रहा था कि वो जो रात को 2-3 बजे -13 डिग्री में गर्मी रही, तो टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, किसी मूवी का डायलॉग था ये, है ना। तो बता दो सच सच, ये टूटे हुए दिल का नतीजा है? देखिए, मुझे लगता है हर कामयाब इंसान का दिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी के कहीं पर टूटा होता है, क्योंकि दिल टूटने से पहले एक बचपना होता है, एक लड़कपन होता है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन होता है, बट सडनली दिल टूटने के बाद ऐसा लगता है कि सीधा 10 साल बड़े हो गए आप अपनी उम्र से। लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया, और फोकसेस बदल जाते हैं, अटेंशन बदल जाती है, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे होते हैं उससे। भाई वो तो ठीक है, आंसर तो देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पूरा आपको बता दिया मैंने दिल टूटने में क्या होता है। हाँ जी, थोड़ा बचपन में हो गया था, थोड़ा सा दिल टूट गया था, और ठीक है, नाउ वी आर थ्रू दैट। But हाँ, I think if even I want that person back in my life, I don't think I would want that person back in my life, because now it's not about the romance we shared, but it's more about the time we shared back in the days. उसकी जो beauty है वो शायद वहीं उस moment पर ही थी, आज शायद वो ऐसा नहीं होगा। इससे ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा तुम्हें। अच्छा, आपके लिए तो बीतते ताली बजाने का मन कर रहा था, इतना अच्छा लगा वो ऐसी तेरी यादें। वाह भाई, प्यार अप्रिसिएशन खूब मिलता हुआ जब आप गाते होगे, मुझे पता है। पर एक बार मैंने सुना आप गाना गा के निकले तो लोग नौटियाल के साथ नौटी हो गए, कपड़े फाड़ दिए आपके। हाँ यार भाई, वो कपड़े नहीं, एक्चुअली नाखून लग गए मेरी पीठ में। असल में हम लोग बहरमपुर में, एक बहरमपुर बंगाल में हम लोग एक शो कर रहे थे, कॉलेज का शो था, तो वहाँ पर ना वो एंट्री पीछे से थी नहीं, वो पीछे दीवार थी, तो जिसने एंटर करना है सामने से एंटर करना है। वो बहुत अर्ली डेज भी थे शो के, नया नया 2-3 हिट गाने आए थे, तो उन्होंने एक तरफ लड़कियों का बना रखा था सेक्शन और एक तरफ लड़कों का बना रखा। खैर, जाते हुए तो ज़्यादा हुआ नहीं उस वक्त, लोगों को पता नहीं था, बट ऑन द वे आउट वो शो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत हिट, मतलब क्रेज़ हो गया था जनता में टुवर्ड्स द एंड, इतना ऊपर चला गया था शो लेवल पे कि वो थोड़ा सा फ्रेंजी हो गया बेसिकली। अब शो ख़त्म हुआ, 2 घंटा बजा दिया था, तो अब जाना था वापस, तो उन्होंने कहा यहीं से जाना है वापस। मैंने कहा यहाँ से कैसे जाएंगे वापस, ये तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लड़कियों की तरफ से निकल जाइए।
तो पता नहीं मैंने क्यों इस बात पे विश्वास कर लिया, मैंने कहा हाँ नहीं नहीं लड़कियां तो बहुत सरल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमको खतरा नहीं है। वो लड़कियों के वहां से हम लोग गए और मेरे नाखून और मेरे शर्ट और ये पकड़ पकड़ के किसी तरह हम लोग वहां से बाहर निकले। इट साउंड्स वेरी नाइस, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब वहां पे खड़ा था मैं डर गया था भाई, मुझे लगा कि अगर मुझे खींच लिया तो मैं बेचारा बच नहीं। सबसे आपका पहला फेवरेट सॉन्ग कौन सा, इजी क्वेश्चन, जो आपने गाया हो उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? तुझे कितना चाहें और हम। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो किसी और का गाया हो? बड़ी दूर से आए हैं मोहम्मद रफी साहब। कोई ऐसा सिंगर जिसको देख के लगता है काश मैं इनकी तरह गा पाता यार? नुसरत फतेह साहब की तरह। आपका आज तक का ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? किशोरदा। आज किसी को आप अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं? नहीं सर। रैंक देना है, रैंक 1 to 5, ठीक है? सिंगर्स के नाम बता रहा हूँ, आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस। अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, अरमान मलिक, नेहा कक्कड़, बी प्राक। अरिजीत, विशाल, अरमान, नेहा, बी, सेम ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन है आइदर और, ठीक है? मेरी माँ के बराबर कोई नहीं या मेरे घर राम आए हैं? देखो, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने ये पूछ लिया, क्योंकि मेरे पिता का नाम राम है और दूसरे में मेरी माँ का जिक्र है। लुट गए या दिल गलती कर बैठा? लुट गए। रोमांटिक सॉन्ग या हार्ट ब्रेक सॉन्ग? हार्ट ब्रेक। मनोज मुंतशिर या इरशाद कमल? मनोज मुंतशिर। वेरी नाइस। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? देखिए, मुझे दोनों से बहुत प्यार है, बट किशोर दा मेरे फेवरेट है। लवली। श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? श्रेया जी। ओके, आपको अगर इन लोगों से कुछ सवाल पूछना हो तो क्या सवाल पूछेंगे? पहले व्यक्ति का नाम है योयो हनी सिंह। द पैशन, इतना पैशन कहाँ से लाते हो भाई? आप अगला सवाल पूछने वाले बी प्राक से। हाउ कैन यू सिंग सो हाई? ही सिंग्स सच हाई नोट्स, अनटचेबल, ऐसा लगता है आसमान से आवाज आ रही है। अगला सवाल एआर रहमान जी से। सर, सवाल क्या, उनको तो सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। रहमान साहब ने बहुत सही टाइम पे लाइफ में कैसी एडवाइस दी, विच वॉज। श्रेया घोषाल, आई थिंक शी इज जस्ट, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने लता जी को कितना क्लोजली सुना होगा लाइफ में, बिकॉज शी इज द क्लोजेस्ट टू दैट वर्ल्ड ऑफ सिंगिंग। कोई ऐसा एक्टर आपको लगता है यार इस पे मेरी वॉइस सबसे ज्यादा शूट करती है? सिद्धार्थ मल्होत्रा। और मुझे वो गाने भी बहुत पसंद जो आपने उनके लिए गाए थे, बहुत अच्छा। बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड सिंगर कौन है? बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं उसको वैल्यू क्यों नहीं मिली। नहीं, अंडररेटेड सिंगर बोल सकते हैं, बॉलीवुड में नहीं है तभी शायद अंडररेटेड है। मैं मानता हूँ विपुल छेत्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिंगर फ्रॉम असम। बॉलीवुड का कोई ओवररेटेड सिंगर? मैं अच्छा, कोई एक ऐसा क्विक किस्सा एक लाइन में जो आपके फैन ने आपके साथ किया और आप कभी भूल नहीं पाओगे? जो भैरमपुर में नोच दिया यार पीछे से पकड़ के। कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आप ऑपोजिट हीरो भी आने को रेडी हो? कोई एक्ट्रेस जिनके ऑपोजिट हीरो? नहीं नहीं, हीरो तो नहीं बनना भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं। नो बडी। आपका पहला पेचेक कितने का था? 5,000 रुपीज। कौन से साल में? 2012। अभी तक की सबसे महंगी चीज जो जुबिन ने खरीदी है? एक गिटार लिया मैंने अभी, बहुत महंगा, कॉलिंग्स का। मेरी हैसियत से बहुत महंगा था गिटार, और मैंने कहा चल ले लेते हैं। कोई नहीं, गाड़ी अगले साल ले लूंगा, क्योंकि गिटार ले लेता हूँ। आई लाइक दैट। अच्छा, जन्मभूमि देहरादून या कर्मभूमि मुंबई? जन्मभूमि देहरादून। ओके। एक चीज जो चाहते हो आप म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बदलना? जो मैं चाहता था म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बदलना, वो लकीली बदल ही गया, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री पहले बहुत क्लोज थी, बट नाउ इट्स वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू सिंगर्स एंड न्यू म्यूजिशियंस। रियलिटी सिंगिंग शो फ्रेश टैलेंट के लिए अच्छा है या बुरा है? रियलिटी शो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आपके ऊपर है कि आप उसे अच्छा देखते हैं कि बुरा देखते हैं। वो तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है। अगर आप तैयार हैं उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप तैयार नहीं हैं और आप जाते हैं तो आपके लिए बुरा है। कोई एक गाना जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा रहता है? ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। फिल्म सॉन्ग या प्राइवेट लेबल? दोनों के अपने मजे, बट आजकल मैं प्राइवेट लेबल ज़्यादा इंडिपेंडेंट एल्बम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट एल्बम। आपका जो लेटेस्ट एक और गाना है, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल पर काम कर रहे हो, तो एक है हमको तुमसे प्यार है कितना कैसे हम समझाएंगे। अगर आपको सैड सॉन्ग, आज बिल्कुल आज तो सैड सॉन्ग्स का माहौल बन रहा है, थोड़ा पहले इस गाने के बारे में एक्सप्लेन करो। आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस सॉन्ग। ये जो गाना है ये एक अनरिक्वाइटेड लवर का गाना है। एक वक्त था जब इश्क में दो लोग किसी वजह से बिछड़ जाते थे, अगर रीज़न तीसरा होता था तो बहुत ज़्यादा आक्रोश होता था दोनों के अंदर। तो एक वक्त था 1980s का, जब ज़्यादा नहीं लोग चुप अपने घर वालों से डर के चुप हो जाते थे। फिर आया 2000 का टाइम, जब लोगों के अंदर वो रेबल आया। सो ये सॉन्ग उस रेबल की थॉट से है कि हमको तुमसे प्यार है कितना कैसे हम बतलाएंगे, दिल को चीर के अपना दिखा दे, तुम जो कहो मर जाएंगे।
वाली बात मतलब सो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि तुम मुझे प्यार करो ना करो, तुम मेरी हो ना हो, बट मैं हमेशा तुम ही को चाहूंगा, बस वो दैट अनरिक्वाइटेड लव। हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे, सिमटे हुए से ये मेरे इरादे, तुमको सदा ही चाहेंगे। क्या रखा है और इस दिल में कैसे बतलाएंगे, दिल को चीर के अपना दिखा दे, तुम जो कहो मर जाएंगे। हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे। Lovely, solid, so nice, so nice, so nice, so nice. खासतौर से सिंगर की इंडस्ट्री है, नॉर्मली देखा जाता है कि 5 साल का साइकिल रहता है, 5 से 7 साल। जब उनका टाइम आता है वो उतना पीक पे होते हैं, उस समय उनको स्टेज पे बुलाने के लिए जो चार्जेस होते हैं बदल चुके होते हैं। ये जो साइकिल्स बदलती हैं, सिंगर्स आते हैं चले जाते हैं, आप कह रहे हो मैं अलग अलग चीज़ें तो ट्राई कर रहा हूँ, जुबिन नौटियाल में क्या अलग है जो उनको इतना लंबा इतना दूर लेके जाएगा? ज़्यादातर सिंगर्स का लुक अलग होता है, बादशाह को देखोगे, गुरु रंधावा को देखोगे, मिक्का सिंह को देखोगे, मतलब 50 तोला, मतलब एक स्टाइल उनका अलग है। आपके हाथ में मैं देखता हूँ रुद्राक्ष की माला है, है ना, आपके बाल, आपकी रिलीजियस लुक्स के लिए आप फेमस हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है या स्ट्रैटेजी है? आज कौन सिंगर है कौन नॉन सिंगर है पता नहीं चलता है, क्योंकि आज सलमान खान भी गा लेते हैं, अक्षय कुमार भी गा लेते हैं, आलिया भट्ट भी गा लेते हैं। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ तो होना चाहिए, पर ऑटो ट्यून को लेकर के कोई, मैं चाहता था कि मैं आपसे समझूँ आप इसको कैसे देखते हो। और क्या लगता है जुबिन भाई को कि अब तक जो अचीव किया है, अब तक जहाँ पहुँचे हो, क्या महसूस करते हो कि अब सेटिस्फैक्शन है या नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है? अभी आजकल मन में क्या चल रहा है? आजकल मन में ऑनेस्टली ये चल रहा है कि संगीत का एक मुकाम हासिल करने के बाद, यू नो, इट्स ईजी टू रीच द टॉप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन टॉप एंड सस्टेन योरसेल्फ देयर। सस्टेनिंग भी मेरे लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, अब यहाँ से और ऊपर कैसे चढ़ें इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। अलग अलग किस्म के जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, गाने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे कि फैशन बदल रहा है, उस तरह से म्यूज़िक का टेस्ट भी हर रोज़ बदल रहा है। और ऐसे वक्त में, डिजिटलाइजेशन के वक्त में, जहाँ इतने सारे गाने रिलीज़ होते हैं हर रोज़, उस बीच में अपना एक ऐसा गाना बना पाना जो लोगों के दिलों तक जाए और दिलों में बस जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। But I like challenges, so that's where I'm at right now. Yeah. Amazing, मधुर सी आपकी स्माइल भी आपकी जैसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने टॉपिक उठाया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी लाइफ में भी देखता हूँ, जो हम खासतौर से सिंगर की इंडस्ट्री है, नॉर्मली देखा जाता है कि 5 साल का साइकिल रहता है, 5 से 7 साल का। बहुत कम सिंगर रहते हैं जो बहुत लंबा सस्टेन कर पाए। जब उनका टाइम आता है वो उतना पीक पे होते हैं, उस समय उनको स्टेज पे बुलाने के लिए जो चार्जेस होते हैं बदल चुके होते हैं, है ना, उनके पास समय नहीं होता उस समय, ठीक है। इंडस्ट्री में सिंगर्स के का एक लेबल बन जाता है, अरिजीत सिंह का लेबल है सैड रोमांटिक, बादशाह का पार्टी है, कैलाश खेर का सूफी है, अनूप जलोटा जी का डिवोशनल है। आप ऐसे सिंगर हैं, सब कुछ गाते हैं, सब कुछ चलता है। और मतलब देखो, मैं जैक ऑफ ऑल जॉनर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन जब मैं सैड सॉन्ग तुम ही आना लुट गए, या रोमांटिक हुआ रहा था लंबियाँ काबिल हूँ, या पार्टी सॉन्ग हुआ तो अख लड़ जावे, कितना अलग अलग। डिवोशनल बात करें तो मेरे घर राम आए। ऐसा नहीं है कि आपका एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, सारे चार्ट बस्टर हो रहे हैं। हाँ, अलग अलग जॉनर के गाने का प्रिपरेशन अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। तो जुबिन नौटियाल कौन है? जुबिन नौटियाल तो पहाड़ों की आवाज़ है भाई। देखिए, मुझे लगता है कि जॉनर नहीं होते, ईमानदारी होती है। ईमानदारी से अगर कोई भी जॉनर गाए जाए, अच्छी नीयत से और अच्छे भाव से, क्लीन हार्ट एंड ऑल हार्ट अगर इस्तेमाल करा जाए, तो मुझे लगता है कोई भी गाना गाया जा सकता है। मेरा बहुत
पहले से मानना है कि अगर दिल से कोई बात कही जाती है तो दिल तक पहुँच जाती है, और संगीत के क्षेत्र में मैंने ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करा। ऐसे बहुत सारे गाने थे जब मैंने उनको गाया शुरू में तो मुझे लगा यार ये गाना मैं नहीं निभा पाऊँगा, नहीं गा पाऊँगा, नहीं गा पाऊँगा, बट फिर बाद में वही गाना मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट गाना बन गया रिलीज़ होने के बाद। दैट टॉट मी कि हर चैलेंज को लेना, डरना नहीं है कि ये गा सकते नहीं गा सकते, भगवान ने अगर आवाज़ दी है, भगवान ने अगर मौका दिया है तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो साइकिल्स बदलती हैं, सिंगर्स आते हैं चले जाते हैं, आप कह रहे हो मैं अलग अलग चीज़ें तो ट्राई कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि जुबिन नौटियाल में क्या अलग है जो उनको इतना लंबा इतना दूर लेके जाएगा? मेरे अंदर कुछ भी अलग नहीं है ऑनेस्टली, मेरा मानना हम सब एक ही हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं सोच के आया कि मुझे कहाँ तक जाना है। मैं अभी तक सिर्फ अपने एक गाना जो मेरा अगला गाना रिलीज़ हो रहा है उसी पे मेहनत कर रहा हूँ, उसी पे जान लगा देता हूँ पूरी। मैं ये नहीं सोचता कि मैं 500 गाने गाऊँगा, मेरा मानना है एक गाना अच्छे से गा दूँ तो फिर उसके बाद सीधा जा कर के हरिद्वार में एक डुबकी लगाऊँगा। तो ऐसा मेरा भाव है। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं ऐसा सिर्फ एक गाने पर एक टाइम पर काम कर रहा होता तो मेरे दिमाग में कभी ये लॉन्गेटिविटी का थॉट ही नहीं आया। जब मैंने स्टार्ट करा था गाना उस वक्त तो खैर लोग कहते थे 2-3 साल का होता है सिंगर का करियर। मेरा पहला गाना 2014 में आया था, अभी 2024 में जाने वाले हैं, 10 साल तो हो गए मुझे गाना गाते, पर आज भी मुझे लगता है जैसे मैं अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो शायद वही एक वही अप्रोच है शायद, जिससे शायद कभी ऐसा फील नहीं होता कि छोटी जाने। अच्छा, मेरे को पहले गाने से आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, पर मुझे पता चला था कि 2011 में एक टैलेंट शो में आप सोनू निगम जी को इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। अरे हाँ। आज देखो तब आपकी माता जी बैक स्टेज पर खड़ी थी, और मुझे लगता है शायद बहुत उदास भी हो गई। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा उनको उनको आज आप टॉप सिंगर हो, आज सोनू निगम को इम्प्रेस कर पाए कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, अरे सोनू जी तो बिल्कुल भाई के जैसे, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। और देखिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, लोग बहुत कुछ सोचते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें कहते भी हैं, पर मेरा मानना है कि मैं रियलिटी शो का कंटेस्टेंट था ही नहीं कभी भी। मेरी जो जर्नी है वो भगवान ने अलग लिखी थी। मेरी माता जी जो है बेसिकली क्या होता है ना, पेरेंट्स का इमोशन एक अलग चीज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। तो उस पूरे शो में वन थिंग दैट स्टेड विद मी वॉज माई मॉम्स टीयर्स। माई मॉम गॉट रियली अफेक्टेड, उनको लगा यार इसको निकाल दिया शो से और ये कैसे हो सकता है सब। हमने समझाया कि मम्मी शो है, इसमें TRP होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है विच मेक्स इट वर्क। उसमें ऐसा पर्सनल मत लो कि मुझे निकाल दिया, बट माँ तो माँ होती है ना यार, क्योंकि माँ के बराबर तो कोई भी नहीं है। तो हाँ, दैट इज़ वन थिंग दैट स्टेड विद मी। उसके बाद शायद मुझे एक थोड़ा सा वो भी लगा कि यार देखो माता पिता करियर को कितना ज़्यादा सीरियसली देख रहे हैं सिंगिंग को, इट्स टाइम टू प्रूव। पर मैं आज भी कहता हूँ कि सोनू जी ने जो डिसीजन लिया इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। मैं कभी रियलिटी शो का कंटेस्टेंट था नहीं, अगर मैं शायद वो रियलिटी शो जीत जाता तो क्या पता मैं शायद जुबिन नौटियाल नहीं बन पाता। वाह वाह वाह, सही कहा आपने, माँ के बराबर कोई नहीं। और ये पहले मुझे पता भी नहीं चला था कि ये भक्ति का सॉन्ग है, आपने माता वैष्णो देवी के लिए माँ के लिए गाया या फिर अपनी मदर के लिए गाया, लेकिन जो भी है अगर आपको ठीक लगे अंतर कहाँ, एक लाइन। जी जी, ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल ही तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, है काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा, पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं मेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं। Lovely guys, come on, make some noise. नहीं, आपके आपके आपकी आवाज़ में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, आपके लुक्स में भी, हर चीज़ में, आपकी आपके साथ रहने में, आपकी रूह में। वैसे तो देखो ज़्यादातर सिंगर्स का लुक अलग होता है, आजकल के जो सिंगर्स हैं थोड़ा लग्जरी लुक पसंद करते हैं, मतलब आप बादशाह को देखोगे, गुरु रंधावा को देखोगे, मिक्का सिंह को देखोगे, मतलब 50 तोला, मतलब एक स्टाइल उनका अलग है। आपके हाथ में मैं देखता हूँ रुद्राक्ष की माला है ना, आपके बाल, आपकी रिलीजियस लुक्स के लिए आप फेमस हो जी।
तो ये आपकी पर्सनालिटी है या स्ट्रेटजी है? भाई तो पर्सनालिटी है, तो खैर ये तो मुझे काफ़ी 15-16 साल हो गए पहनते रुद्राक्ष। मुझे लगता है कि इंसान की लाइफ में डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ से मेरे माता पिता आ रहे हैं और हम लोग की जनरेशन आ रही है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक टच लूज़ हो रहा है। तो वो बचपन में मैंने एक पता नहीं कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं यार, आई विल ऑलवेज कीप माई रिलीजन एंड माई स्पिरिचुअलिटी क्लोज टू मी। एंड टाइम एंड अगेन, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो बांध देती है। अभी कभी होता है लाइफ में अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, तो फटाफट माला निकाल के चांट कर लेता हूँ, भोलेनाथ को याद कर लेता हूँ। नहीं, मैं आपके पापा से भी मिला और मतलब वो देख के मुझे समझ में आता है कि संस्कार कैसे आपके अंदर इतने अच्छे। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज। वैसे तो अब मैं वापस सिंगिंग पे आता हूँ, एक बात मेरे को बहुत दिल से मैं सोचता हूँ, क्योंकि देखो मैं मेरे अंदर ये आई डोंट फील बैड बट आई फील इट मिसिंग कि मैं गा नहीं पाता, है ना। आई फील इट सो मिसिंग। मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, मतलब आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट, पर मुझे पता है मैं इसे मिस करता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू लिसन म्यूज़िक। मैं और भक्ति भजन कीर्तन बहुत सुना आजकल, तो कोई मैं गाना भी सुनता हूँ, मुझे उसमें अपना स्टाइल है सुनने का। विवेक ओब्रॉय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका एक गाना था कि दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, है ना। तो मैं बोला भाई देखो मेरा स्टाइल अलग है सुनने का, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, और दुनिया भुलाई मैंने कस्टमर तेरे लिए, जहाँ भी तेरे वर्ड है कस्टमर से रिप्लेस कर दो, गाने के मीनिंग बदल गया। आपका रोमांस बहुत अलग है ना, मेरा अलग है। माई फर्स्ट लव इज बड़ा बिजनेस। लेकिन ना ये सोचता हूँ कि बिल्कुल ही कोई सिंगर नहीं हो तो भी, आज कौन सिंगर है कौन नॉन सिंगर है पता नहीं चलता है, क्योंकि आज सलमान खान भी गा लेते हैं, अक्षय कुमार भी गा लेते हैं, आलिया भट्ट भी गा लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो खराब सिंगर है, पर रियाज से नहीं, ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी से बहुत काम हो जाता है ना। अरिजीत सिंह कहते हैं कि काफ़ी सारे अच्छे सिंगर्स नाराज भी रहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि एवरेज सिंगर भी गाना गा करके वहाँ पे आ जाते हैं। और आपका वैसे मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ तो होना चाहिए, पर ऑटो ट्यून को लेकर के कोई, मैं चाहता था कि मैं आपसे समझूं आप इसको कैसे देखते हो, और क्योंकि अभी तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपने गिटार लेके गाया, बहुत सुंदर गाया, है ना। बिना अब अगर ऑटो ट्यून होता या नहीं होता, मैं उस पर थोड़ा आपका टेक समझना चाहता हूँ। मतलब ये कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा था, आपने बोला कि सिंगर की जो लाइफ होती है वो 2-5 साल टाइप होती है। सर यही डिफरेंस है सिर्फ, विद ऑटो ट्यून एंड विदाउट ऑटो ट्यून। जो लोग गा सकते हैं, जो कहीं भी खड़े होकर के विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स भी बस सीधा माइक उठा के शुरू हो सकते हैं, उनका डेफिनेटली एक तैयारी भी ज़्यादा है और एक लॉन्गर करियर सस्टेन करने का मॉडल है वो, कि आप यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर टास्क। बट फिर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंगर्स होते हैं वो फिर वन हिट वंडर वाला सेटअप होता है, 2-4 साल फुल ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद चेंज ऑफ करियर। सो दैट इज़ माई कम्प्लीट अप्रोच टूवर्ड्स इट। बट डेफिनेटली ऑटो ट्यून एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने म्यूज़िक को बहुत आम कर दिया है, संगीत को बहुत आम कर दिया है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब सबको ऐसा लगता था कि सलमान खान साहब जब स्क्रीन पे डांस कर रहे हैं तो उसी वक्त वो गाना भी गा रहे हैं, जबकि वो अभिजीत किया किसी और दूसरे सिंगर की आवाज़ होती थी, तो ये पता ही नहीं था लोगों की प्लेबैक सिंगिंग होती क्या है। बट आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अभी सब जानते हैं सिंगिंग कैसे होती है, स्टूडियो क्या होता है, सिंगर्स कैसे होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। बट या आई थिंक अगर लाइफ में लॉन्गर इनिंग्स खेलनी है सो विदाउट ऑटो ट्यून इज द वे। अच्छा, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है लता मंगेशकर, उन्होंने जिंदगी भर आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने सुर के लिए कहती है मैंने स्वाद छोड़ दिया, है ना। 16 times ग्रैमी अवार्ड एक विनर रहे, उन्होंने पिज्ज़ा खाना छोड़ दिया था कि मैं अच्छा गा सकूँ हमेशा के लिए। कुछ जुबिन के साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार मेरे को ये सैक्रिफाइस करना पड़ा मेरे गाने के लिए, ये चीज़ छोड़नी पड़ी मेरे गाने के लिए? नहीं भाई, ऐसा तो कभी कुछ नहीं। मैं तो ठंडा पानी भी पीता हूँ, मिर्ची भी खाता हूँ। मेरा सिंपल बिलीफ है कि आपका अगर रियाज कड़क है और भगवान की बनाई चीज़, तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकती। वो तो तभी ख़राब होती है जब भगवान चाहता है उसको ख़राब करना। मेरा नहीं विश्वास है इसमें किसमें। हाँ ये है कि अगर आप हमेशा सादा पानी पीते हो, एक दिन ठंडा पी लोगे तो गला ख़राब किसी का भी हो जाएगा। सो आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, आई एम यूज्ड टू चिली ऑल्सो, इट डजंट, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एज अ पर्सन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग हो। जितना आपसे मिला, जितनी देर आपसे बात करी, जो आपकी सिंप्लिसिटी है वो दिखाई पड़ती है। लता मंगेशकर जी का एक गाना है
कि मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे। बात तो सही है कि सिंगर्स की असली पहचान उनकी आवाज़ होती है, और इस पहचान को बनाने में आप कामयाब रहे हैं। पहाड़ों से आए हैं, पहाड़ की तरह खड़े रहे हैं आप, और उसी तरह पहाड़ की तरह खड़े रहें, ऐसे ही हिट पे हिट देते रहिए। हमारी यही कामना है, और हमारी बहुत दिल से है ये कामना, मतलब बहुत दिल से आपको पसंद किया, बहुत 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 अच्छा लगा इस मंच पे आने के लिए, इस मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, इट टेक्स वन टू नो वन। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसमें, हर एक को देखना चाहिए, मुझे नहीं पता, सभी को देखना चाहिए। आई जस्ट लव दिस, आई लव दिस कन्वर्सेशन, है ना। और मुझे नहीं पता क्या लर्निंग्स हैं आपकी इस वीडियो में, क्या है, पर मतलब कई बार ना जो बात आपने कही आज जुबिन जी के, अगर दिल से गाया हो ना तो वो दिल को छू जाता है ना। और ये इंटरव्यू भी आज मेरे दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार, आगे आए बहुत बड़ा बुधवार, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।